वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात की खुशखबरी दी कि नामपल्ली एक मीनार मस्जिद के पास तामीर की जाने वाली अनीसुल गुरबा की इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत व आलीशान इमारत का शानदार इफ्तिताह बतारीख 7 अक्टूबर को अंजाम दिया जाएगा। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर IT मिनिस्टर KTR, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव, मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी और दिगर कई सारे महकमों के आला अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में इस बात का भी इज़हार किया कि जिन आयामा व मौज़िनीन की तनख्वाहें ज़ेर इल्तवा थी, इन्हें भी इनकी तमाम तनख्वाहें अदा की जाएगी और तेलंगाना हुकूमत ने इमाम व मौज़िनीन की 7,000 दरख्वास्तों को फंड्स भी अलाट किए हैं। तमाम ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को क्लियर किया जाएगा। तमाम ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त गुजार दहिंदगान को मस्जिद कमेटी का एक लेटर हेड और आधार कार्ड के साथ यहां पर अपनी तमाम तर बैंक की तफसीलात वक्फ बोर्ड में लाकर जमा करने की भी इन्होंने हिदायत दी। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात DTV 9 के साथ। 7 तारीख के दिन अनीसुल गुरबा का इनाग्रेशन रहेगा। जनाब KTR साहब, हरीश राव साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के हाथों से होगा और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो प्रीवियस में 10,000 इमाम मौजूम को जो तनख्वाह हमारे पास से हदिया दिया जाता था, इस बार और 7,000 का हमारे पास एडिशन आया है, तो उनकी भी जो सो प्रोसीडिंग 7,000 इमाम मौजूम की प्रोसीडिंग हज हाउस में दी जाएंगी, वो भी जनाब KTR साहब के हाथ से, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ से दी जाएंगी, जिसमें खासकर इमाम मौजूम साथ में अपने कोई मस्जिद के सदर हो या नायब सदर के साथ एक मस्जिद का लेटर हेड, उनका आधार कार्ड और साथ में उनका जो सो बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा या बैंक का जो सो पासबुक, वो लेके आना बहुत कंपलसरी है। वो जब तक नहीं दिखाएंगे उनको प्रोसीडिंग नहीं दी जाती। तो साथों साथ उन लोगों का भी उसी दिन 7 तारीख के दिन यहाँ पे 10:30 बजे उनको भी प्रोसीडिंग देना स्टार्ट कर देंगे और साथ में बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल जो बाजू की जो बिल्डिंग है उसको 23 करोड़ रुपये का सैंक्शन हमारे को आया है गवर्नमेंट की जानिब से, तो 23 करोड़ रुपये के सैंक्शन के लिए सातों साथ वो बिल्डिंग का भी इनाग्रेशन और साथ में वो बिल्डिंग का भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट उसी दिन से शुरू किया जाएगा। 7 प्रोग्राम है और ख़ासकर ये प्रोग्राम जनाब होम मिनिस्टर साहब के सदालत में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 4 फ्लोर का जो सो 3 फ्लोर जो सो ओपन हॉल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद साल में हजियों का भी प्रोग्राम होता, हज के दौरान भी वो बिल्डिंग काम में ऐसा वो हिसाब से सेटअप कर रहा है। उसके कम्युनिटी सेंटर हम जितने भी माइनॉरिटी कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे वो हॉल उसके लिए यूज़ किया जाएगा। 23 करोड़ रुपये दिए ना उसके लिए, तो 23 करोड़ रुपये सेंक्शन किए गए। वो खस्ता हालत नहीं है, स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की रिपोर्ट भी आ चुकी है उसकी, कितने दिन उसका यूज़ कर सकते क्या है, वो रिपोर्ट लेने के बाद ही गवर्नमेंट 23 करोड़ सेंक्शन करी, उसके बाद इमीडिएट काम शुरू कर रहा है उसका।